हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स व संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम टाइप 8, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिशियल डिवीजन। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, फॉर इवन और ऑड वैल्यू ऑफ एन, एक्स की पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन, पहला। दूसरा, फॉर ओनली इवन वैल्यू ऑफ एन, एक्स की पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से तभी डिवाइड होगा एक्स की पावर एन माइनस वन जब एन इवन होगा, इवन में टू से डिविजिबल। फॉर ओनली ऑड वैल्यू ऑफ एन, जब एन की वैल्यू ऑड होगी एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए। अब इन 3 रूल से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला देखो, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है, हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए तो 68 की पावर 88, अब यहां देखिए या 68 है या 67 है, तो इसमें एक क्यू बन रहा है, तो देखो माइनस वन एंड प्लस वन हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। और डिवाइड में देखिए 67 है, हमें 68 बनाने के लिए इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 68 हो गया 1 ऐड करने पे और माइनस 1। अब देखिए जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये से देखो जी, फर्स्ट रूल है ये सेकंड रूल। फर्स्ट रूल है x माइनस 1, या x की पावर n की पावर 88 है, इवन हो या ऑड हो तो ये डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी, बात फर्स्ट रूल से आ जाएगा। देखिए तो यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड में ऐसे लिखेंगे 1 प्लस डिवाइड करने का 1 अपॉन 68 माइनस 1, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, ये देखिए यह रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है 18 की पावर 15 प्लस 4 और डिवाइड में है 17। अब आप देखिए यहां n ऑड है, n कितना है, n 15 है जो कि ऑड है, तो ऑड के लिए क्या होता है, जब ऑड होता है तो तब यहां क्या क्या बनता है, देखिए पीछे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑड में ये होता है देखो, ये पहला वाला इसमें भी लग जाएगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला भी उसी में रहूंगी, यहाँ एन एन दोनों की पावर है, तो फिर हम इसे एडजस्ट करते हैं। देखिए तो 18 की पावर 15 माइनस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस 1 किया तो प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1, डिवाइड में देखिए यहाँ इसे 18 बनाना है तो 17 प्लस 1 और माइनस 1, तो ये अपना क्या बन गया, 18 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 18 माइनस 1 प्लस 5, तो देखो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5, तो रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 5। देखिए ये था अपना क्या, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, इवन हो या ऑड हो, एक्स की पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन, एन की वैल्यू इवन और ऑड कुछ भी हो, इसे रिमाइंडर या क्या बचेगा, 5 बचेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, तो थर्ड में है 45 की पावर 45 टू द पावर 50 और माइनस 9, यानी डिवाइड में है 44। तो देखिए ये यहां पे क्या है, इवन पावर है, ठीक है, तो ये वही लगेगा, क्योंकि जब प्लस सेम पावर है प्लस मुदत तब आता हो जाती है, तो उसमें वही लगेगा, देखो क्या लगेगा, तो 45 टू द पावर 50
माइनस वन माइनस एट ऐसे ले लिया हमने। अब इसको 45 बनाना है तो प्लस वन कर देंगे तो 45 हो जाएगा और माइनस वन देखिए, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये इसको डिवाइड कर, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है तो माइनस एट रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर क्या है माइनस एट। पिछले क्वेश्चन में देखिए यहां वन नहीं आएगा, ये वन नहीं हो सकता क्यों, वन इक्वल नहीं है, डिविजिबल है बस, कितने टाइम्स डिविजिबल है ये नहीं मालूम हमको, वन नहीं हो सकता। क्वेश्चन फोर देखिए, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 75 की पावर 65, 75 टू द पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाय 76। देखिए तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए अब तो यहां 75 टू द पावर 65, अब यार इसको ध्यान रखना, इसको क्या कर रहे हैं हम, तो 76 को लिखेंगे 75 प्लस 1, या बेस 75 है तो 75 प्लस 1। अब 75 प्लस 1 है और ये पावर क्या है ऑड है, एक्स प्लस 1 ठीक है, ऑड पावर में क्या हो जाएगा देखिए, 75 प्लस 35 है तो हम प्लस 1 लिख लेते हैं यहां पे, और प्लस प्लस में कितना ले लेंगे हम, 34 बचेगा। अब यहां एक सोच देखने वाली बात है, क्या है देखिए, यहां 1 की पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना 75 टू द पावर देखो 65 प्लस 1 की पावर 65 देखिए 34 या 75 प्लस 1 तो फॉर एन ऑड, फॉर एन ऑड x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a, तो ये लग गया इसमें थर्ड रूल लग गया, तो ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 34, तो रिमाइंडर तो आप ध्यान रखना केवल यार अपन को देखना है बस, यहां देखिए 45 है या 44 था तो 1 प्लस करेंगे 1 माइनस, तो यहां एक्स माइनस 1 आ गया तो यहां भी माइनस 1 शो करना है। अब यहां पे देखिए 76 है, 75 से एक ज्यादा है तो 75 प्लस 1 है तो यहां भी 75 प्लस 1 में ही रखना है, तब यहां ये रूट लगेगा, तो ये ध्यान रखना है अपन को। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 4 टू द पावर 45 4 की पावर 45 प्लस 5 देखिए और डिवाइड में 44, ये 43 है। अब वही फिर देख लीजिए आप, यहां देखिए ये 43 है, ये 44 है, इसमें हम क्या करेंगे आप देखिए, तो डिवाइड में क्या बन रहा है 43 प्लस 1 देखिए, इसको नहीं इंक्रीज कम ज्यादा नहीं कर सकते, केवल इसी पे कर सकते हैं, तो ये 43 है तो 43 बनाने के लिए प्लस 1, तो यहां पे भी देखिए अब 43 की पावर 45 अब प्लस 1 तो यहां प्लस 4 बचा,
अब यहाँ पे 45 पावर में तो 1 की पावर ही 45 ले सकते हैं, तो ये से डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, n यहां क्या है, n 45 है जो ऑड है, n ऑड है, इसलिए x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a। ये देखिए तो x प्लस ये x है, ये a है, ये बन है, डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर था 5th, अब 6 देखिए, तो 6 नंबर है क्या है, 85 की पावर 97 माइनस 27 देखिए, और यहां पे क्या है 86। देखो फिर देखिए, हमें इस पे नजर रखना है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये 85 है, ये 86 है, तो 86 को 85 प्लस 1 लिखेंगे, तो यहां पे भी इसी तरीके लिखना पड़ेगा, तो 85 टू द पावर 97, अब प्लस 1 लिखना है, तो प्लस 1 हमने लिखा है, देखिए प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे, तो माइनस 1 करने पे यहां क्या हो जाएगा, माइनस 1 जब माइनस 1 करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, अब 97 है तो यहां भी 97 पावर ले लेंगे, तो ये इस रूल से x प्लस x पावर n इक्वल n ये डिविजिबल हो गया, जब ये डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर यहां आया है माइनस 28। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, दो तीन चीजें ध्यान रखना है अपन को, और कुछ नहीं करना है इसमें, माइनस के 28 हमेशा डिवाइड वाला नंबर देखना है, डिनोमिनेटर वाला ये 85 था, 86 है, तो 86 को तो एडजस्ट कर नहीं सकते, 85 को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो 86 को 85 प्लस 1, तो 85 है तो 85 शो करना है, यहां प्लस 1 है तो यहां भी प्लस 1 रखना है, 1 की पावर जो चाहे ले सकते हैं, ये ऑड है इसलिए डिविजिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन।